टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। छियासी साल की उम्र में रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। रतन टाटा का दुनिया से जाना भारत के लिए एक बड़ी क्षति है। लेकिन रतन टाटा के जाने से टाटा ग्रुप की कमान संभालने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर रतन टाटा के बाद टाटा कंपनी का लीडर कौन बनेगा? फिलहाल ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखरन के पास है, जो टाटा परिवार से नहीं है। लेकिन रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा अब कंपनी को अपने हाथों में ले सकते हैं। नोएल टाटा पिछले 40 सालों से टाटा कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। अभी वे टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, वोल्टास और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के प्रमुख हैं। इसके साथ ही टाटा स्टील और टाइटन कंपनी लिमिटेड के उप प्रमुख भी हैं। नोएल टाटा सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दरोबजी टाटा ट्रस्ट के भी सदस्य हैं। हालांकि टाटा ग्रुप की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। नोएल टाटा नवल एच टाटा के बेटे हैं। नोएल टाटा ने ससेक्स यूनिवर्सिटी यूके से पढ़ाई की है। नोएल टाटा आखिरी बार टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रमुख थे। उन्होंने अगस्त 2010 से नवंबर 2021 तक यहां काम किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी की कमाई को 500 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 3 अरब डॉलर से ज्यादा कर दिया। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, लिया, माया और नेविल, जो भविष्य में कंपनी को संभाल सकते हैं। फिलहाल ये तीनों टाटा समूह में अभी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अठारह में शुरुआत के बाद ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी एन टाटा ने 1904 तक कंपनी की कमान संभाली थी। उनके बाद ग्रुप की जिम्मेदारी सर दोराबजी टाटा ने साल 1904 से लेकर 1932 तक संभाली। फिर जेआरडी टाटा ने 1948 से 1991 तक इसकी कमान संभाली। इसके बाद रतन टाटा ने साल 2012 तक कंपनी की कमान संभाली। मौजूदा समय में ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखरन के पास है।